नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे YouTube का जो टॉपिक है ये काफी सीरियस इश्यू है, ये सीरियस प्रॉब्लम है जो इंडिया में है, वो है स्ट्रीट डॉग्स का प्रॉब्लम। या जैसे हमारे पालतू कुत्ते होते हैं वैसे ही लावारिस कुत्ते भी हजारों हजारों की संख्या में सारे भारतवर्ष में, सारी इंडिया में घूमते हैं। हर शहर में, हर गांव में, हर जिले में और हर गली में ये कुत्ते घूमते रहते हैं। हमको इनकी बहुत सी तकलीफ है। मुझे लगता है बड़े शर्म की बात है कि हमको स्वतंत्र मिलके या इंडिपेंडेंस मिलके ऑलमोस्ट 70 साल होने को आए, बट इस सीरियस इश्यू की तरफ किसी का भी ज्यादा ध्यान गया नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो यह समस्या कितनी गंभीर है? क्या आपने कभी न्यूज़पेपर में या टीवी में न्यूज़ देखी है कि अस्पताल से 2 साल की बच्ची को कुत्ते भगा के ले गए और उसे जिंदा खा गए? या 5 साल का बेचारा लड़का स्कूल से आ रहा था और उसके ऊपर 15 ऐसे लावारिस कुत्तों ने हमला किया और उसे मार दिया, वो बेचारा मर गया। ऐसे कई सीनियर सिटीजन, मतलब हमारे बुजुर्ग होते हैं जो शाम को गार्डन में घूमने जाते हैं, तो उन्हें ये कुत्ते खाते हैं, उन्हें काट जाते हैं, उनका पूरा स्किन निचोड़ देते हैं और उन्हें तरह तरह की ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती है। हमारे जो पालतू जानवर होते हैं, हमारे जो कुत्ते होते हैं या बिल्लियां होते हैं, उन पर भी ये बाहर के लावारिस कुत्ते हमला करते हैं, कभी कभी उनको भी मार देते हैं। इन कुत्तों का प्रॉब्लम खास करके रात को बहुत ज्यादा होता है। जब भी हम लोग कहीं घूमने को निकलते हैं या खास करके 2-व्हीलर पे निकलते हैं तो ये कुत्ते हमारे पीछे भागते हैं और कई बार इन कुत्तों की वजह से काफी गंभीर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। कई लोग तो मर जाते हैं, उनका सर कहीं टकरा जाता है, उनकी बाइक स्किड होती है और मर जाते हैं। उसी तरह से हम लोग जब रात को, कई लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, उनको ड्यूटी रात को होती है, कभी लेट जाना पड़ता है, कभी लेट आना पड़ता है, तो क्या होता है, वो या तो 2-व्हीलर पे जाते हैं या अपने घर से निकलते हैं तो उनकी बस, कंपनी की बस या कैब किसी स्पॉट से आती है, वहां तक तो उनको चल के जाना पड़ता है। लेकिन उनको भी ये कुत्ते छेड़ते हैं, रात को भौंकते हैं, उनको काटते हैं, तो उनके दिल में भी एक बहुत भयानक सा डर बैठ जाता है कि यार मैं अपने जॉब पे जाऊं तो जाऊं कैसे। दूसरी देखेंगे तो इन कुत्तों के शरीर पे कई तरह की बीमारियां होती है, स्किन के डिसीजेस होते हैं, कई तरह के कीड़े उनके शरीर पे होते हैं जब वो हमें काटते हैं। कभी कभी उसमें से कुछ कुत्तों को रेबीज नाम की भयानक सी बीमारी होती है, जिसको शायद हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो ऐसा कुत्ता जब इंसान को काटता है तो उनको भी ये हाइड्रोफोबिया होने का डर होता है। ये कुत्ते आपने देखा होगा तो जहां पे कचरे के कूड़े पड़े होते हैं, हिंदुस्तान में तो हर जगह कचरा पड़ा ही रहता है, उसके अंदर पता नहीं अपना नाक डाल के बेचारे खाना ढूंढते रहते हैं। तो एक बात है कि मैं इन कुत्तों से नफरत नहीं करता हूँ, हमारे पास भी हमेशा पालतू कुत्ते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन जो मैंने समस्या देखी है उसका मुझे बहुत बुरा लगता है। दूसरी बात हम अगर देखेंगे तो ये पालतू कुत्ते रात को भौंकते रहते, आपस में झगड़ते रहते, जब उनका मेटिंग सीजन होता है तो और ये प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो क्या उस वक्त हमारी नींद खराब नहीं होती? जो बच्चे होते हैं, जो बीमार होते हैं हमारे घर में, जो बुजुर्ग होते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है, रात भर ये कुत्ते झगड़ते रहते, चिल्लाते रहते। या कभी बच्चों को, किसी को पढ़ाई करनी होती है तो क्या उनको इनको इस कुत्तों की तकलीफ नहीं होती? तो इस तरह के अनेक गंभीर समस्याएं इन लावारिस कुत्तों की वजह से निर्माण होती है। अब हम देखिए, एक तरफ ये कुत्ते हैं, उसमें एक मुझे सवाल हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि क्या हमारे गवर्नमेंट ने, कई एजेंसीज ने ऐसा सारे भारतवर्ष में, सारे इंडिया में ऐसा सर्वे किया है क्या कि कितने लोगों को कुत्तों ने काटा? हाँ, वो फिगर्स अवेलेबल है, उसमें कुछ हद तक रिपोर्ट किए नहीं जाते, लेकिन उस डॉग बाइट्स की वजह से या कुत्तों के काटने के वजह से हमारा कितना प्रोडक्टिव टाइम, हमारा कितना वक्त बर्बाद हो गया। वो हमको किसी को इंजेक्शन लेने को जाने पड़ते हैं, किसी को काट के फ्लैश निकालता है तो एडमिट होना पड़ता है, किसी को प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है, तरह तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती है, बार बार डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के पास जाना पड़ता है। तो इस सारी प्रक्रिया में हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया, हमारा कितना पैसा वेस्ट हो गया। और अगर लाखों लोगों को कुत्ते काटते हैं तो इन लाखों लोगों का मिला के हमारे देशवासियों का कितना टाइम वेस्ट हो गया? क्या हम ऐसा सोचते हैं इंडिया में? नहीं यार, इंडिया में तो क्या है, बेसिकली चलता है एटीट्यूड है, चल रहा है तो चल रहा है। सो हमको ये भी सोचना चाहिए। अब एक तरफ होता है ये बेचारा नागरिक जिनको कुत्ते काटते हैं, दूसरी तरफ होते हैं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, कुछ अच्छे लोग जो प्राणी प्रेमी होते हैं और ऐसे जानवरों के लिए अपना अच्छा काम करते हैं।
उनकी जो हेल्थ होती है उसकी समस्याओं के लिए, या पेट अडॉप्शन कैंप्स भी होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जहाँ पे जो लावारिस कुत्ते होते हैं, क्या कोई उनको दत्तक लेना चाहे, अडॉप्ट करना चाहे, तो उसके लिए न्यूज़पेपर में वगैरह ऐड देके लोग काम कैंप्स चलाते हैं, तो इनका भी काफी अच्छा काम होता है। और दूसरे तरफ होते हैं त्रस्त नागरिक, किसी के घर में किसी को कुत्ता काट लिया, कोई मर गया समझो, तो फिर वो चीड़ के कुछ ऐसा गलत काम कर देते कि दूसरे दिन जाएंगे और किसी खाने में पॉइजन मिला देंगे और कहीं डाल देंगे, तो फिर सुबह देखते तो 15 कुत्ते मर गए, 25 कुत्ते मर गए। ऐसा केरला में भी हमने देखा था, कुछ ही महीनों पहले न्यूज आया था कि 300 400 500 कुत्ते मार मार दिए ऐसे जहर डाल के, पता नहीं किस तरीके से। तो ये तो गलत काम है, लेकिन इनको भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो साइलेंट मेजोरिटी, जिनको हमारे जैसे शांत नागरिक, जिनको कोई आवाज ही नहीं है, जिनका कोई सुनता नहीं, वो बोलते ठीक है ना भैया, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही, ना प्राणी प्रेमी हमको कुछ करने देते, तो ऐसा चुपके से अगर कोई हो रहा है तो उनका भी उनको छुपा सपोर्ट होता है। सो एक तरफ प्राणी प्रेमी, एक तरफ ऐसे लोग, और इस सारी चेन में जो तीसरा एलिमेंट है वो है हमारी गवर्नमेंट, हमारा प्रशासन। अब इसमें ज्यादातर ये जो आता है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आता है, वो लोग कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी कुछ कुत्तों को उठा के लेके जाते हैं, उनका फैमिली प्लानिंग का कहते हैं ना, स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन करके लाके छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी ही समस्याएं हैं, या तो उनके ऊपर पूछने वाला कोई नहीं है, या लोग वो बोल देंगे हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है इस काम के लिए, या जो अलग तरह की गाड़ियां होती है ऐसे कुत्ते पकड़ने के लिए, हमारे पास वो गाड़ियां नहीं है, हमारे पास और कामों से वक्त नहीं मिलता है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर कम है, इसलिए इस समस्या के और उतना ध्यान दिया नहीं जाता है, और जागरूकता तो हमारे देश में बहुत कम है इस समस्या के और। सो तीसरी तरफ ये प्रशासन है, गवर्नमेंट है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, और फाइनली उस तरफ हम लोग हैं जो बेचारे सफर करते जा रहे करते जा रहे, तो क्यों ना हम ही कुछ करें, नागरिक कायदा सुव्यवस्था का पालन करते हुए भारत की राज्य घटना के अंदर जो भी हमको अधिकार दिए हैं उनका उपयोग करके क्यों ना हम कुछ कानूनी तरीके से करें, क्यों ना हम हाथ में एक पेन लेके पत्र लिखना शुरू करें, हम लोग मीडिया में पत्र दे सकते हैं, हम लोग कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं एज अ ग्रुप करके, शहरों शहरों में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जागरूकता ला सकते हैं। और फिर जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, क्या हम उनको पत्र नहीं लिख सकते, क्या हम उनको एज अ ग्रुप जाके मिल नहीं सकते, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते, जो हमारे लोक प्रतिनिधि है या जन प्रतिनिधि है, भले वो कॉरपोरेटर हो, ग्राम सेवक हो, हमारे आमदार हो, हमारे खासदार हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, क्या हम उनको जाके मिल नहीं सकते कि भैया एक समस्या पे कुछ कीजिए, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में या हमारे गली में ये समस्या बहुत गंभीर है, उनको बार बार जाके मिलिए, उनको फॉलोअप कीजिए, ये जो प्रशासन है उनके पास फॉलोअप कीजिए, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्शन हो जाएगा। क्या हम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हैं? मेरे दिमाग में आता है हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स है इंडिया के, क्या वो सो मोटो कॉग्निसंस, मतलब अपने आप ही ऐसी समस्या का की तरफ देख के कुछ आदेश दे सकते हैं प्रशासन को। सो इस तरह से हमको ही फाइनली जागरूक होना है, बिकॉज इंडिया में चीजें बदलने के लिए सालों साल लग जाते, 30 साल, 40 साल, 50 साल, पता नहीं और कितने साल लग जाए। ये है तो बहुत सिंपल सी समस्या है, अगर कोई चाहे तो सारे देश भर में एक साल में इस समस्या को निपटा सकता है, लेकिन राजकीय इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि जागरूकता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है। तो चलो दोस्तों, इस स्ट्रीट डॉग्स मतलब लावारिस कुत्तों की समस्या पे क्यों ना हम ही नागरिक जागरूक होके भारत के संविधान के अंदर क्यों ना कुछ कानूनी तरीके से हम लोग कुछ करें। ओके।